वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि जो एग्रीकल्चर कॉलेजेज है, एग्रीकल्चर उसके जो एग्ज़ाम होते हैं एडमिशन के लिए कॉलेजों में, उसमें एडमिशन कैसे होता है। अभी वर्तमान में अलग अलग राज्य यानी सभी राज्यों की अलग अलग, इसमें आप कह सकते हैं कि अलग अलग एग्ज़ाम होता है। तो अब क्या होगा अगले सत्र से कि सभी राज्यों को मिलाकर केंद्र सरकार यानी आपको पता है जो नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है NTA वो एग्ज़ाम लेगी। उसके अलावा इसमें कौन कौन से जो आपके बोर्ड रहने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। जो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें कृषि विश्वविद्यालय में मिलेगा दाखिला। अब कौन सी यूनिवर्सिटी मिलती है, कौन सी कॉलेजेज मिलती हैं, अभी जैसे कि राजस्थान में आप ले सकते हैं, राजस्थान में जो एग्रीकल्चर कॉलेज हैं उसमें जेड का एग्ज़ाम होता है। कौन सा? जॉइंट एंट्रेंस जो एग्ज़ाम है वो होता है राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेजों के लिए। उसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटियां भी करवाती हैं कोर्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट के थ्रू जो प्राइवेट जो मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं उनके थ्रू जो एडमिशन होता है जेड के थ्रू मिलता है अभी वर्तमान में। तो अगले सत्र से क्या होगा, अगले सत्र से एग्ज़ाम होगा ऑल इंडिया लेवल पे। किस लेवल पे? ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होने वाला है अगले सत्र से। साफ दे रखा है अगले सत्र से लागू करने की तैयारी में 1,00,000 सीटों के लिए होगा टेस्ट। 1,00,000 सीटों के लिए क्या होगा? टेस्ट होगा। इसमें क्या दे रखा है कि देश में कृषि विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के दाखिला के लिए अगले सत्र से UG व PG यानी आपके जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यानी आपके MSc और BSc एग्रीकल्चर, 1,00,000 सीटों के लिए कॉमन एग्ज़ाम होगा। अब तक हर राज्य अपनी अलग अलग परीक्षाएं करवाता है, कॉमन एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकती हैं। देश के जो 74 सरकारी यूनिवर्सिटी हैं वे 55 जो निजी कॉलेज हैं उसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो आपकी ICAR है ने राज्य विश्वविद्यालयों में अपना कोटा भी बढ़ाएगा यानी सीटें भी बढ़ाएगी। UG अंडर ग्रेजुएशन में जो आपके 15% से बढ़ाकर 20% और PG पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके जो है वो 20% से बढ़ाकर कितना करने की 25% से 30%। ICAR ने राज्यों को करीब सहमति मांगी है अभी, जिसमें करीब 15 राज्यों ने सहमति दे दी है। कई राज्यों की सहमति के बाद जो आपके 2023 से जो कॉमन सत्र होने वाला है। अब तक क्या होता था, अलग अलग परीक्षा करवाते हैं राज्य। ICAR काउंसिलिंग हर साल UG की जो 15 और PG की जो आपके 25% सीटों को भरने के लिए राष्ट्रीय एंट्रेंस एग्ज़ाम AIEE करवाता है, बाकी सीटों के लिए राज्य अपने एग्ज़ाम करवाते हैं। देश भर की 1,00,000 सीटों के लिए करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। राजस्थान में UG में प्रवेश जेट और PG में PhD के थ्रू जो PhD के लिए प्री एग्ज़ाम होता है। ये तो हो गया आपके कौन से राज्य और केंद्र, यानी कि अब तक जो ICAR का जो अलग एग्ज़ाम होता था, जो ICAR का जो अलग एग्ज़ाम होता था, आप सभी को पता है कि जो ICAR में आपके अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होता था। अब क्या करते हैं, सभी के लिए एक जो एग्ज़ाम होने वाला ICAR एक एग्ज़ाम होगा और जो ICAR की जो सीटें हैं 15% उसको बढ़ाकर 20% की जाएगी हर राज्य में। उसके अलावा आपके जो PG है उसमें 20% से 30% ICAR के थ्रू जो एडमिशन होने वाला है। तो आप सभी अगले सत्र के लिए एग्ज़ाम के लिए तैयार रह सकते हैं ताकि आपको एग्रीकल्चर कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सके। एग्रीकल्चर कॉलेज जो आपको BSc इन एग्रीकल्चर करना है या आपके MSc एग्रीकल्चर करना है तो आपको अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए ताकि आपको एग्ज़ाम तक बेनिफिट मिल सके, ताकि आपकी तैयारी हो सके। BSc एग्रीकल्चर के बाद में अलग अलग स्कोप हैं, आपको पता है जो BSc एग्रीकल्चर है वो 12th जो 12th बायो वाला भी दे सकता है और उसके अलावा आपके 12th एग्रीकल्चर जिसके जो सब्जेक्ट है वो जेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। धन्यवाद। अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। धन्यवाद।